अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज का खूबसूरत और फ्रेश व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। गाइज, आज हमने जाना है सालिहा का एडमिशन करवाने, और मतलब माशाल्लाह से मेरी बेटी ने मैट्रिक क्लियर कर ली। अब फर्स्ट ईयर, मतलब आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है, सालिहा गई है अपना सर्टिफिकेट लेकर आई है 10th क्लास का, उसी बेस पर हमारी बच्ची का आज एडमिशन है। सेकंड नंबर पर आज 9th क्लास का रिजल्ट आ रहा है, और 9th क्लास हमारी दूसरी बेटी है। आपने पीछे शोर सुना है, तुम अपना व्लॉग बना रही है। अगर आपने पूरी वीडियो मतलब रिजल्ट वाली और वो जो एक स्टूडेंट के अंदर डर और खौफ होता है ना रिजल्ट का, वो देखनी है तो तूबा के व्लॉग में चले जाना, तूबा ऑफिशियल, और मैं यहाँ दे रही हूँ उसका और उसकी लाइव हालत आपको दिखा कराते हैं कि कैसी है। साथ साथ खाना भी बन रहा है और हम लोग जो है ना तैयारियाँ भी कर रहे हैं। मुझे जाना है बैंक। गाइज, एक और सेट कर खबर आपको देती जाऊँ, फिर मिलते हैं जी तूबा को। गाइज, ये है हमारा बिल इस मंथ का। हमारा सबसे पहला बिल आया था 10,000 का, ठीक है, सिर्फ तकरीबन, अल्लाह तूबा की आवाज़ें देखें, 10,000 में से 150-200 रुपये कम था। और उसके बाद ये देखें क्लोजिंग पे आ रहा है, दूसरा आया था 21,000। गर्मियों का बिल आपको दिखा रही हूँ। बिल इस दफ़ा जो हमने पे करना है वो है 27,191 रुपये। मेरी बैंक में जो जमा पूंजी है वो सारी निकलेगी और बिल जाएगा आपके सामने। सारा दिन मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ और साथ साथ, हाय अल्लाह हमजा को बोल ना बजाए बाजे। एक तो गाइस 14 अगस्त आने वाली है और बच्चों ने ना सर में दर्द किया हुआ है, इनको जो जेब खर्च मिलती है अपनी झंडियाँ लगा रहे हैं, घर का बुरा हशर किया हुआ है इन लोगों ने, कोई वीडियो नहीं बनाने देते, कोई हमारा हाल नहीं है ना घर का ना हमारी किसी भी उसका। तो अभी जो है ना वो बाजे लिए हुए हैं, झंडिया शेब लेकर आए हैं, उसके बाद अपनी क्या टिक होती है अल्लाह, और यहाँ शोर ही शोर है आज गाइस, शोर ही शोर है। हम मुझे टेंशन हुई है बिल के बाद मेरी जेब बिल्कुल खाली हो जानी है, पूरा महीना उसके बाद हमारा पड़ा है। मेरी तो खैर है, घर जाना है, हाय नाना के घर जाना है। आप इसकी लाइव हालत, मास्क पहन लाइव हालत दिखाती हूँ आपको मैं इसकी। ये देखें, ये है जी घर की हालत, और साथ साथ हम तूबा क्या दिखा दें। टाइम पानी लास्ट आ चुका है, और अगर आपने लाइव इसकी हालत देखनी है तो जाकर दूसरे चैनल पर देख लें, तूबा ऑफिशियल पर, वो पागलों की तरह रोए जा रही है इसका। हमारे, मैं तो कहती हूँ वैसे तो 500 से अबव हमारा वो था, तो चले जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 483 नंबर, मतलब 483 मार्क्स सालिहा तूबा ने लिए हैं। और अब चलते हैं जी हम सालिहा का एडमिशन करवाने। इसकी हर चीज़ यहाँ देखें आ चुकी है, इसकी फाइल तैयार है, और हमें जाना है बैंक जो कि हमारा बिल है वो पे करना है। तो मेरा ये कार्ड आ चुका है, इसमें से हम अपने चेकबुक जो है ना वो निकालते हैं। ये अब अपना जो है ना वो करके अब अपने फ्रेंड्स का जो है ना वो निकाल रही है रिजल्ट। गाइस, ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। सालिहा, इसको वापस संभाल के आओ, और मैं डालती हूँ बुरखा और चलते हैं हम अपने काम को। उसके बाद हानी आप लोग करो तैयारी, ठीक है? तो यार ठीक है, चुप करो, चलो हम तुम। गाइस, इस दफा जो है ना वैसे 10th के रिजल्ट में भी जो है ना काफी ज्यादा बच्चों ने मेहनत की हुई थी, लेकिन वो चीज नहीं आई सामने जिस तरह बच्चों की मेहनत की। तो तूबा माशाल्लाह हमारी बहुत लाइक बच्ची थी, हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन ज्यादती बोल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई मसला नहीं है। 8th नंबर है, 10th में मजीद मेहनत करेगी, इम्प्रूव करेगी इंशाल्लाह, तो 1100 ग्रेड में आ जाएगी। मामा ये उठा, ये को लेना जाए। अच्छा जी, तेरी फाइल कहाँ है? बंदी भूली, फाइल उठा रही हूँ, फाइल उठाते हैं, छोड़ दो ना ये फाइल, मैंने उठा ली है। उन्हें दरवाजा बंद करो, आ जाओ दरवाजा बंद करो। चलो जी गाइस, हम लोग चल रहे हैं जी अब कॉलेज अपने, और यहाँ देखें हवा, मौसम भी अच्छा है। Yeah.
बैंक गई थी पैसे निकलवाने, जो कि नहीं निकल सके हैं, कुछ इश्यूज चल रहे थे। उन्होंने कहा 2 घंटे वेट करें, तो मैंने चेक जो है ना वो कर लिया है, और उनको मैंने कह दिया कि मेरे हस्बैंड आएंगे, आप उनको पेमेंट जो है ना वो दे दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट है आज, और बिल जो है वो लाजमी हमने देना है। मेरी फीसें वगैरह आनी थी, लेकिन ये है कि नेट अभी लेट हैं, अक्सर लोग जो है ना मुझे ज़रा देर से देते हैं, तो इसीलिए पहले मेन मेन चीज़ें कर लेते हैं, बिल लास्ट डेट तक ले जाते हैं। तो गाइज जिस तरह हम गुजारा कर रहे हैं ये हमारे दम को बताए। पहुँच चुके हैं कॉलेज, कॉलेज में जो है ये देखें सालिया ने यहाँ अपना फॉर्म फिल कर लिया है, सिग्नेचर क्लर्क के हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं मैडम के ऑफिस, वहाँ से सिग्नेचर लेने हैं, फिर इसकी हमने फ़ीस जमा करवानी है। स्कूटी हमने कॉलेज के अंदर ही घुसाई हुई है, क्योंकि भाई मेरे से चला नहीं जाता है, और आज वैसे भी मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर है, और हाँ तूबा की टेंशन है कि तूबा ने अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं। तो अभी हम मैडम के ऑफिस चलते हैं, सालिया भी हमारे साथ ही है। तो ये है जी मैडम का ऑफिस, यहाँ से हम लोग जो है ना सिग्नेचर करवाते हैं। अंदर की कुछ सूरत हाल इस तरह है, बच्चियाँ काफ़ी सारी आई हुई हैं और सिग्नेचर हो चुके हैं सालिया के। अब हम चलते हैं जी क्लर्क ऑफिस, और यहाँ जाकर इसकी जो सालाना फीस है वो जमा करवाते हैं। सालाना फीस आ गई, कॉलेज बहुत ही बड़ा है, हमने कॉलेज के अंदर स्कूटी ली हुई, ये आ गए यहाँ जी क्लर्क ऑफिस। तो यहाँ से हम लोग जो है ना बैक साइड से जाकर सालिया की फ़ीस जमा करवाते हैं। अब फिर हमें पूरा साल इसकी टेंशन नहीं होगी एक्स्ट्रा पर एक्स्ट्रा काम। एक तो मैंने स्काफ लिए, उसके पैसे देने थे, इसकी फ़ीस देनी थी, उधर से जो ना बिल ज़्यादा आ गया, तो भाई खाली हो चुके हैं हम। अब चलते हैं जी घर, और सालिया को घर छोड़ते हैं, और मुझे निकलना है पढ़ाने। सर में शदीद दर्द है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा पढ़ाने जाने को। खैर सालिया को तो छोड़ दूँ ना। ये हमारा चेक है, और ये हमारे ऐसा समझ लें कि आधे ये हैं, तकरीबन 18,000 है, और ये भी पे करना है, और यकीन करें टेंशन से बुरा हाल है। गरीब बंदा ये कि अब ये एसी हमारा दिन में नहीं चलता, सारा दिन नहीं चलता, मतलब रात में चलता है। रात में एसी चलाने का बिल आप ये देख रहे कि ये क्या है, सारा दिन मेहनत करते हैं, रात को सिर्फ ये कि सुकून की नींद सो सकें, यही कोशिश होती है, नहीं तो दिमाग तो मेरा पागल ही हो जाए जिस तरह सारा दिन मेहनत करती हूँ। तो ये भी रखते हैं घर, क्योंकि हस्बैंड साहब आएंगे, उन्होंने जो है ना वो करना है। तो मैं जो है ना जा रही हूँ पढ़ाने, सालिया का एडमिशन हो गया, सालन अभी मेरा देर है, तो उसको भी देखते हैं कि कितना उसके पास है, बाकी हमें सालन को कितना टाइम देना है। तो इन सब चीज़ों को वापस रखते हैं और पढ़ाई की तरफ निकलते हैं, फिर आपको आकर मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, घर आ चुके थे और सारे काम निपटा कर नंबर जिस लिहाज से सोचे हुए थे वो तो नहीं आया। खैर मुतमईन हैं, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। वो भी बच्चे हैं जिनका बहुत मतलब कम है, मैं तो सालिया के लिए भी इतनी मुतमईन नहीं थी, तूबा के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। खैर अभी तूबा नहीं है इसलिए बात कर रही हूँ, लेकिन मैं तूबा को ये शो नहीं करवाना चाह रही कि मैं, लेकिन वो मेरे हमने तूबा की बर्थडे नहीं की थी, तूबा आ गई, इसलिए हम बात को पलटा देते हैं। तूबा बहुत अच्छे नंबर लिए आपने, क्योंकि तूबा का अगर आप जाकर ब्लॉग देखे तो तूबा ने रो रो कर रियल में अपना हाल खराब किया हुआ है। तो हमने जो है ना तूबा की बर्थडे नहीं की थी, जो कि 1 अगस्त को थी, और इसके साथ हमने वादा किया था कि आपके रिजल्ट पर करेंगे। तो उम्मीद तो हमें ये थी कि रिजल्ट शानदार हाई फाई, अगर अभी ये हाई फाई है, अगर शानदार होता तो पता नहीं हम कितनी बड़ी सेलिब्रेशन करते। तो अभी फिलहाल कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, हमारे बच्चे कोई बहुत बड़े हाई फाई स्कूलों में नहीं पढ़े हुए, बट बहुत अच्छी मेहनत है, हमारी कोई सिफारिश नहीं है इसमें। इसके अलावा तूबा की कोई चीटिंग नहीं है, रियल नंबर है, और अभी चेकिंग अगर करवाई जाए तो तकरीबन हमारे ख्याल में 500 से अबव हो सकते हैं। अभी जो तूबा के नंबर है जो कि अभी तक हमने आपको नहीं बताए, 400 ने आपको वैसे बता दिया, तूबा के चैनल पर आप जाकर देखिएगा, ठीक है। तो
तो हमने मंगवाए हैं तो मैंने वीडियो बनाई तूबा के लिए। इसके दो है मम्मा शवारमा और हमने कहा देख लेना बेटा इसके अंदर अलग अलग मेयोनीज ना हुआ तो ठीक है। ये एक एक शवारमा और साथ में है जी केक। तो अभी हम करते हैं जी पार्टी, आपने हमारे साथ ही रहना, कहीं मत जाना है। अभी वैसे ये चीजें हम खा लेते हैं फिर आपसे। कितना